एसटी फैक्ट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किसी मुजरिम को फांसी कैसे दिया जाता है। किसी मुजरिम को फांसी देने के लिए कई नियमों का पालन करना पड़ता है और शायद आपको पता होगा कि 1 फरवरी को निर्भया के दोषियों को फांसी दी जाएगी, तो वही आज हम जानेंगे कि फांसी कैसे दी जाती है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किसी को फांसी देने के लिए सबसे पहले डेट वारंट जारी किया जाता है और इस डेट वारंट पर फांसी दिए जाने वाले मुजरिम का नाम, फांसी देने का स्थान और डेट लिखा होता है। डेट वारंट जारी होने के बाद फांसी के लिए विशेष प्रकार के रस्सी तैयार किया जाता है जो बिहार के बक्सर जेल में बनाए जाते हैं। डेट वारंट जारी होने के बाद कैदी को दूसरे कैदियों से अलग सेल में रखा जाता है और इनके सेल में इनके सिवाय और कोई भी वस्तु नहीं रखा जाता है ताकि यह आत्महत्या ना कर सके। डेट वारंट जारी होने के बाद ही फांसी देने वाले जलाद को बुलावा का नोटिस भेज दिया जाता है। फांसी दिए जाने वाले कैदियों का हर दिन मेडिकल टेस्ट किया जाता है। यह सारी प्रक्रिया होने के बाद फांसी के दिन इन कैदियों को नहाने के लिए भेज दिया जाता है और फिर नए कपड़े पहनाकर इनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। आखिरी इच्छा पूरा होने के बाद इनको फांसी घर ले जाया जाता है जहां पर जल्लाद, एक डॉक्टर, जेल सुप्रिटेंडेंट, मजिस्ट्रेट और RMO मौजूद रहते हैं। सबसे पहले जल्लाद कैदी का पैर और हाथ बांध दिया जाता है और उसके बाद काले कपड़े से सिर को ढक दिया जाता है और उसके बाद जल्लाद फांसी का फंदा इनके गले में डालता है और निश्चित समय पर जेल सुप्रिटेंडेंट रुमाल दिखाते हैं और जल्लाद लीवर खींच देता है। लीवर खींचने के आधे घंटे के बाद डॉक्टर मृत्यु की पुष्टि करते हैं। पुष्टि हो जाने के बाद इनका लाश उतारा जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद से आपको पता चल गया होगा कि किसी को फांसी कैसे दिया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर नया वीडियो आपके पास पहुंच जाए।